हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पासपोर्ट जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई हो जाने के बाद जो है अपनी पासपोर्ट की जो है स्टेटस जो है आप कैसे चेक कर पाएंगे, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। कि जैसे आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट लेने होते हैं। अपॉइंटमेंट जिस डेट में आपको मिलता है वहाँ पे जो है आपकी डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की जाती है। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है सही पाया जाता है तो उसके बाद जो है आपका जो आवेदन है आपको पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट कर दिया जाता है। उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन के लिए जो है आपके थाने में जो है आवेदन को भेज दिया जाता है जांच पड़ताल करने के लिए कि ये बंदा जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या यह जो है पासपोर्ट के लिए इलिजिबल है कि नहीं, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, ये कैसा बंदा है, इसका करेक्टर क्या है, इसको पासपोर्ट इशू करना चाहिए कि नहीं। उसके लिए जांच पड़ताल हेतु आपके नियरेस्ट जो थाना होता है वहां पे आपको डॉक्यूमेंट को भेज दी जाती है। अगर आप कोई क्रिमिनल केसेस या उस आपके ऊपर कोई एफआईआर या आप किसी तरह के और मतलब जो है गलत कामों में अगर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई होती है, आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका आचरण अच्छी होती है, तो उसके बाद जो है वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपके इंस्पेक्टर के द्वारा फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट का जो आवेदन है उसको डायरेक्टली जो है फिर पासपोर्ट ऑफिस भेज दिया जाता है वेरिफिकेशन करने के बाद। उसके बाद जो है आपकी पासपोर्ट की जो है प्रिंटिंग होती है, उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट जो है आपके घर तक आ जाती है। इन सारे प्रोसेस में आपका कम से कम जो है 15 से 20 दिन जो है टाइम लग जाती है। और उसकी आवेदन की स्टेटस आप कैसे देखेंगे आपको इस वीडियो में प्रॉपरली बताएंगे कि आप जो है आप आवेदन का स्टेटस कैसे देखेंगे कि हमारा आवेदन जो है कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ रुकी हुई है, ये सारे डिटेल्स आपको जो है पता चल जाएगा। आप जो है डे टू डे एक्टिविटी जो है अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर पाएंगे। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, तो सिंपली गूगल में टाइप करना है इंडिया पासपोर्ट, गूगल खोल लिया, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इंडिया पासपोर्ट, तो फर्स्ट जो लिंक मिलेगा पासपोर्ट सेवा होम का, इस पर आपको क्लिक करने हैं। क्लिक करते ही नया इंटरफेस आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही नया इंटरफेस आपके सामने इस तरह से ओपन होगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे चूज करना है, क्या आपका पासपोर्ट जो है पासपोर्ट पीसीसी आईसी जीईबी के लिए अप्लाई किए हैं, आरटीआई किए हैं, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल एप्लीकेशन है, सरेंडर सर्टिफिकेट के लिए आप ट्रैक करना चाहते हैं, या एपीएल एप्लीकेशन के लिए जो है आप अपने स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। तो पासपोर्ट के लिए सिंपली आपको पासपोर्ट पीसीसी आईसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक फाइल नंबर जनरेट होती है, उस फाइल नंबर को यहाँ पे देना है और यहाँ पे जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप जो है चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद सिंपली आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। ट्रैक स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो है एप्लीकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी, कहाँ पे आपका आवेदन पड़ा हुआ है, किस स्थिति में है, पूरी डिटेल्स। अगर आपकी पासपोर्ट जो है एसपी ऑफिस में पड़ा हुआ है तो वहां पे आपको स्टेटस दिखाएगा योर एप्लीकेशन ही अंडर एसपी ऑफिस, या अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं आपके पुलिस स्टेशन में आ गए हैं उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपकी पासपोर्ट जो है प्रिंटिंग के लिए दी हुई है तो उसकी आपको स्टेटस वहां पे बता दें कि आपकी प्रिंटिंग जो है पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस में हो रही है। जब आपका पासपोर्ट जो है डिस्पैच हो जाएगा तो भी वहां पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि आपको पासपोर्ट जो है इस डेट में जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिस्पैच हो गई है। सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको डे टू डे यहाँ पे अपडेट होती रहती हैं जिसकी आप स्टेटस जो है रेगुलर चेक करके अपने ट्रैक कर सकते हैं आवेदन की। अगर कोई इशू होती है तो उसके लिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आवेदन आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है वहाँ जाके डायरेक्टली जो है विजिट कर सकते हैं और अपने आवेदन को आगे की ओर फॉरवर्ड करा के जल्द से जल्द जो है पासपोर्ट इशू करवा सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों कि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई किए हैं तो उसको डे टू डे एक्टिविटी को आप चेक करते रहें, जहां भी अगर पेंडिंग होती है, जहां भी आपका आवेदन जो है होल्ड होता है वहां आप जाके डायरेक्टली जो है विजिट करके अपने आवेदन को फॉरवर्ड करवा सकते हैं।
ऐसा है एक्चुअली, ये होता है कि थाने में आने के बाद थोड़ा सा लापरवाही की वजह से जो है उन लोग पेंडिंग रखे रहते हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन को ट्रैक करते रहेंगे, तो जैसे ही आपका आवेदन जो है थाने में आती है, तो डायरेक्टली आप विजिट करके जो है वहाँ से वेरिफिकेशन करा के जल्द से जल्द जो है फॉरवर्ड करके आगे आप बढ़ा सकते हैं, और जल्द से जल्द जो है आपको पासपोर्ट इशू हो जाता है। ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। देखिए पासपोर्ट से रिलेटेड ऑलरेडी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वीडियो बना रखे हैं, कैसे इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है अकाउंट बनाएंगे, उसको कैसे लॉग इन करते हैं, कैसे पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, अपने सिटी में जो है अपॉइंटमेंट ऑफिस आप कैसे चेक कर सकते हैं, किस डेट में आपका जो है अपॉइंटमेंट के लिए जो है डेट खाली है, पूरी डिटेल्स वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं पासपोर्ट के बारे में। 5-6 वीडियो हैं, उस पर आप जाके पासपोर्ट से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो हर टॉपिक्स पे हमारे चैनल्स पे आपको यही खासियत है कि जिस टॉपिक पे हम उठाते हैं उसके बारे में डिटेल्स आपको वीडियो हर टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगी। ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।